ये है खूंज नदी। ये खूंज नदी का ये देखिए संगम हो रहा है माँ नर्मदा से। ये देखिए ये खूंज नदी माँ नर्मदा में मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक आश्चर्य करने वाली बात जो अभी मुझे यहाँ पता लगी है कि यहाँ पर कुछ मंदिर नीचे बिल्कुल नदी के तट पर थे, नर्मदा जी के किनारे, तो बाढ़ आती थी, मंदिर डूब जाया करते थे। तो इस लिहाज से प्रशासन ने वो मंदिर वहाँ से और ये देखिए ऊपर स्थापित किए हैं। जो नए नए मंदिर दिख रहे हैं, पुराने तो बहुत पुराने हैं, जो नए नए दिख रहे हैं वही मंदिर एक एक पत्थर एक एक चीज़ सेम वहाँ से यहाँ लगाई गई है। अब वो कैसे हुआ बता रहे, एक एक पत्थर निकालते गए, उस पर नंबरिंग करते रहे और उसी नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर उनको स्थान दिया गया, तो मंदिर वहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित किए गए हैं। और ये बीच में जैसे कि आप देख रहे हो ये नरसिंह भगवान की खंडित मूर्ति है, उधर विष्णु भगवान की है और ये इधर लोटस पर विराजमान लक्ष्मी जी भी, या कोई बता नहीं पा रहा है लक्ष्मी जी हैं या कौन है लोटस पर। बहरहाल ये खंडित मूर्तियां हैं और बताते हैं ये मुग़ल शासन काल में इनको खंडित किया गया था, इन मूर्तियों को। और ये देखिए जो चूंकि बनाए गए हैं ये भगवान शिव, अच्छा पुरानी लिपि में भी ये लिखा हुआ है क्या, ये आ गया अंदर। और ये जैसे कि देखो मैं बता रहा था कि पत्थरों पर नंबरिंग की गई थी, तो मैं नंबरिंग अभी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए जैसे ये देखिए, ये देखिए ये है नंबरिंग, इस तरीके से नंबरिंग की गई थी सभी पत्थरों पे होगी। और ये देखिए ये नीचे ये नंबरिंग, इस तरीके से नंबरिंग करके इन पत्थरों को वहाँ से उठा करके यहाँ विस्थापित किया गया है और भगवान शिव को भी वहाँ से यहाँ लाया गया। और जैसे मंदिर नीचे था सेम वैसे ही मंदिर बना हुआ है। और ये काम कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 20-22 साल पुराना है काम। कितना साल ये 95-96 के बाद, अच्छा अच्छा 95-96 में बता रहे हैं। नंबरिंग है ना देखिए ना, अंदर से आपको पूरी दिखा दूं, देखिए हर पत्थर पर नंबरिंग है। ये देखिए हर पत्थर पर हर चीज पर नंबरिंग है और उसी नंबरिंग के आधार पर इसको जोड़ा गया, यानी जो आकृति इसकी नीचे थी सेम वही आकृति यहाँ पर है। ये देखिए N7C इसका कुछ होता होगा, N6B, W6E, इस तरीके से पूरा मंदिर ही वहां से उठाकर विस्थापित किया। ऐसे 3-4 मंदिर हुए हैं ना, चार पांच मंदिर जो थे जो नीचे से नीचे की तरफ थे नीचे से ऊपर लाए गए हैं अज्ञातवास। तो उसमें इन्होंने जहां जहां रुके थे वहां वहां मंदिर बनाए थे। हाँ पांडवों का ये रहा है, जहां जहां उन्होंने स्टे किया वहां उन्होंने भगवान शिव के ही मंदिर बने हैं, शिव भक्त थे। ये सब वहाँ ऊपर पूरा पहाड़ था और हाँ। पहाड़ के नीचे नीचे ये इतनी आकृति दिख रही, अच्छा ये सब नीचे थी अंदर। ये अच्छा ये ऊपर पहाड़ था। हाँ ये नीचे पहाड़ जैसे अपने हाँ, चल रहे हैं कि ये पत्थर का पहाड़ी था ऐसा, अच्छा इसको कंक्रीट मालो बदल के वही वाली आकृति नीचे कर दी ये। चलते हैं, नहीं मोबाइल में है ये। ये देखिए शिवलिंग अंदर भी है और ये सभी मंदिर बताते हैं नीचे से विस्थापित करके यहाँ लाए गए हैं। ये सब कला जय भोलेनाथ की।
ये भी देखिए शिवलिंग है, लेकिन इसकी आकृति अलग है शिवलिंग की। बाहर नक्काशी भी है पुराने, इस साइड पे पुराने नक्काशी है। सही कह रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति भी खुदी हुई है। ये गणेश जी हैं। ये तो बिल्कुल सेम इस तरीके से यहाँ शिव मंदिर हैं, जैसे हमारे यहाँ बटेश्वर में। अच्छा। सभी में शिवलिंग की आकृतियाँ अलग अलग हैं। जैसे बटेश्वर में हमारे यहाँ जो है 101 शिव मंदिर हैं, और वहाँ पर यमुना नदी के किनारे हैं, तो यमुना जी वहाँ पर कई एक किलोमीटर उल्ट। वो मंदिर जो विस्थापित मंदिर किया गया था वो यहाँ से शिफ्ट किया गया है। ये देखिए कुछ अवशेष अभी भी है यहाँ पर, तो यहाँ से पूरे मंदिर को ये देखिए यहाँ से पूरे मंदिर को विस्थापित करके वहाँ ले जाया गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे कैमरे से, देखिए वो दिख रहा है मंदिर उस नीम के पीछे। और ये देखिए खूंज नदी, KHOONJ, खूंज नदी जो है ये नर्मदा जी में मिल रही है आकर के। और ये देखिए आप गड्ढा नुमा जो देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां अभी हमने आपको कई एक शिव मंदिर दिखाए थे, वो जिसमें शिवलिंग थी, तो वो बता रहे हैं यहां से वो मूर्तियां निकाल करके वहां विस्थापित किया गया है। ये यहां मैं हूँ धर्मपुरी जिलाधार मध्य प्रदेश में, और ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा। ये देखिए खूंज नदी आ रही है, इसमें नर्मदा जी मिल रही है, और अभी हमने आपको वो स्थान दिखाए हैं जहाँ से मंदिरों को ले जा करके दूसरी जगह विस्थापित किया गया। तो ये वो जगह थी कि जैसे ये अंदर हमने दिखाई खो, जिसमें से कई एक शिवलिंग थे जो पीछे बने हुए थे अलग अलग आकृति, जहाँ मुझे अंधेरा होने के कारण लाइट जलानी पड़ी थी। और वो मंदिर भी दिखाए जिनके पत्थरों पर नंबरिंग थी, वो मंदिर भी ये देखिए जगह यहाँ से गए हुए हैं, ये यहाँ से मंदिर ले जा करके वहाँ स्थापित किया गया है। अब अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नर्मदे हर।